एक नया पल दिखाती है। पल में खुश तो पल में मायूस बनाती है जिंदगी, हर पल हमें एक नया पल दिखाती है। जो आज गिरे तो क्या हुआ, जो आज गिरे तो क्या हुआ, उठो चलो और आगे बढ़ो, उठो चलो और आगे बढ़ो। आखिर अंधेरी रात भी तो हमें रोशनी का पता बताती है, जिंदगी हर पल हमें एक नया पल दिखाती है। शिक्षा शिक्षा हमारे लिए एक वरदान है और गुरु का आशीर्वाद मिले उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। पधारे गए सभी भी अतिगण और संन्यासगण, और सभी पधारे गए गुरु और आचार्य जी, मेरे तरफ से सभी को सादर प्रणाम। मैं प्रज्ञा आर्य आज आपके सामने कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इन चार दिनों के सत्र में हमने बहुत कुछ सीखा है, जो कि हमारे गुरु आचार्य जी विनय विद्यावंकर जी ने हमें सिखाया है। उन्होंने ये बताया कि वेद के अंदर वेद माता ने हमें दो बंधन बताए हैं, एक तो होता है व्रत और एक होता है पाश। व्रत और पाश होते क्या है, कष्ट और दुख होते क्या है, तो इस एक मंत्र के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्रत होता क्या है। तो इस व्रत का एक मंत्र है, ओम व्रत व्रते चरिष्यामि तच्केयम तन्मे राधितम इदम महम सत्यम उपेमहि। इस मंत्र में ये बताया गया है कि हे परमात्मन, हे व्रत के परमेश्वर, हम सभी दुख और बुरी चीजों को अपने जीवन से निकाल हटाए और सभी ऐसी चीजों को अपने जीवन में समर्पित करें, जैसे कि सत्य बोलना, सत्य सुनना, तानों के शोर में रहकर भी सत्य ही बोलना, ये सब चीजें हम अपने जीवन में लाएं, उनके अपने जीवन में लाकर उन अपने स्वभाव को अच्छा और सुखदायी बनाएं। दुख यह होता है, जैसे कि व्रत हम जानते हैं कि व्रत के अंदर हम सारी अच्छी चीजों का निराकरण कर सकते हैं, और दुख में यह होता है कि हम सारी चीजों को अपने आप दुख ग्रहण करते हैं, जैसे कि कष्ट। कष्ट क्या होता है कि किसी भी कार्य को करना, हमें उससे कष्ट मिलता है, पर कार्य के करने के बाद में हमें जो प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता को हम अनुभव कर सकते हैं। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि हम अपने जीवन में सभी कष्टों को, यानी पाश के बंधनों को छुड़ाएं और अपने व्रतों के बंधन को बांधते जाएं। जैसे कि हमें आचार्य जी ने ये बताया था कि हम अपनी वाणी को वाणी कैसे बनाएं, हम अपनी आयु को आयु कैसे बनाएं, हम अपनी आयु को और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होगा कि अपने व्रत के बंधनों को और ज्यादा अधिक बांधना होगा, और इसी कार्य से हम अपने जीवन में वेद के साथ में, जैसे कि एक मंत्र में बताया गया है कि ओम वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसम परस्तात् त्वमेव विदित्ययाति नान्या पंता विद्यते अयनायः। इसमें ये बताया गया है कि हम अपनी सभी दुखों का निरावरण कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि जब हम अपने जीवन में वेद को लाएं, वेद का पढ़ना, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेद का पढ़ना लिख पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। क्या ये है या नहीं, क्या हम अपने जीवन में वेद को लाते हैं या नहीं, और लाना चाहिए या नहीं, और लाना जरूरी होता है या नहीं। आप सभी यहाँ बैठे हैं, आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग आप में से वेद रोजाना पढ़ते हैं, रोजाना हवन करते हैं और संध्या करते हैं, क्या मैं जानना चाहूंगी। मेरा बस आपसे सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी अपने जीवन में रोजाना संध्या करें, हवन करें, वेदों का उच्चारण करें। वेद को अगर अपने जीवन में लाएंगे, वेदों के मंत्र का उच्चारण करेंगे, उन्हें समझेंगे, अपने जीवन में लाएंगे, तो आपके जीवन के दुख, आपकी आयु में यूं ही वर्धन होता ही जाएगा। तो मेरा ये आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में वेद पढ़ें, और जैसे कि हमारे इन चार दिनों के सत्र में गुरुजी ने हमें ये बताया कि हम वेद पढ़ें, तो इन्होंने हमें वेद रूपी समुद्र में इस तरह डुबकी लगवाई है, इस तरह गोते खिलवाए हैं कि ये सब चार दिनों के सत्र में जो भी हमने पढ़ा है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और जैसे कि हमारा आर्य समाज का 65वां वार्षिक उत्सव है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा ने, परदादाओं ने इसका इस
इस न्यास का नींव रखी है, तो हम इस नींव को आगे बढ़ाएं, हम अपनी दादा परदादाओं की अपनी पीढ़ियों से लेकर आगे पीढ़ियों दर इसको हम आगे बढ़ाते जाएं। हमारे जितने भी भाई बहन वगैरह सब है, रोजाना हवन करें, संध्या करें और सभी मंत्रों का स्मरण करते हुए अपनी जिंदगी को और सुखमय बनाएं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना चाहती हूँ कि आप सभी वेद का उच्चारण करें।